कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि आप लोग जिसका जितना भला करोगे वो आप लोगों को उतना ही गिराने की कोशिश करेगा। अब वही हाल नेपाल ने किया है, क्योंकि जैसे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पीएम पद का कार्यभार छोड़कर भारत में चल रहे इलेक्शन में बिजी हुए, तो अब पीएम मोदी जी का न होने का फायदा उठाकर नेपाल ने भारत की जमीन के साथ एक घिनौनी हरकत की है और एक बड़ा कदम उठाकर भारत को हैरान कर दिया है। क्योंकि नेपाल ने अचानक से एक ऐसा नोट पब्लिश किया है और इस नोट के अंदर ही भारत की जमीन को नेपाल की जमीन दिखाया गया है। बस नेपाल की हरकत के बाद अब भारत का मोर्चा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने संभाला है, और कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की धज्जियां उड़ाकर अब नेपाल को भी उसकी औकात दिखा दी है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि न्यू मैप ऑन नेपाल 100 रुपीज नोट टू हेल्प इंडियन एरियाज इंक्लूडिंग काला पानी, यानी कि नेपाल ने एक बार फिर से एक बड़ी हरकत की है और 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के अंदर 25 अप्रैल और 2 मई को ही कैबिनेट की बैठकों के दौरान 100 रुपए के नोट के फिर से डिजाइन करने और नए नोट पर पुराने मैप को बदलकर नए मैप को जारी करने की मंजूरी दे दी गई, और ये जानकारी सरकार नेपाल की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने दी है। रेखा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी शामिल है। आपको बता दें कि ये तीनों ही वो जगह है जहाँ पर भारतीय आर्मी डिप्लॉयड है और भारत का इन तीनों ही जगहों पर कब्जा है। लेकिन अब नेपाल चाइना के बहकावे में आकर और अपनी आम जनता को भड़काने के लिए भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 जून 2020 तक ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके भारत की 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया। हाल की भारत पहले ही नेपाल के इन दावों की धज्जियां उड़ा चुका है और भारत नेपाल के इन दावों को पहले ही आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट और आयस्तर करार दे चुका है। आपको बता दें कि नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जिनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, और नेपाल के साथ ये सीमाएं 2850 किलोमीटर से भी अधिक की हैं। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने नेपाल की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और नेपाल के 100 रुपए के नोट को लेकर जयशंकर साहब जी की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ है कि दे टुक सम यूनिलेटरल मेजर्स एस जयशंकर ऑन न्यू नेपाल 100 रुपी नोट। जयशंकर साहब जी ने नेपाल को लेकर ये साफ कर दिया कि नेपाल चाइना के पद चिन्हों पर चलकर अपनी तरफ से कुछ भी करेगा या फिर एक तरफा कुछ भी बदलने की कोशिश करेगा तो वो जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकता और न ही वो नेपाल का कुछ भी उखाड़ सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेपाल के पड़ोसी होने के नाते नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हों। इसलिए इस मुद्दे को दोनों ही देश बातचीत के जरिए भी सुलझा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदल कर अपने होने का दावा करता है तो वो जगह चाइना की नहीं हो जाती, वो भारत की ही रहती है। ठीक उसी तरीके से नेपाल के भी एक तरफा कोई भी कदम उठाने से नेपाल जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकता और न ही भारत ऐसा होने देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।